जूनियर इंजीनियर के टाइम पे तो बहुत लोगों ने गालियाँ खाई हैं, बट मैं शायद प्रनीत मेहता उन खास लोगों में से एक हूँ जिसने फोर्थ इंजीनियर के फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी गालियाँ खाई हैं। मेरे एक चीफ इंजीनियर थे जो कि मुंबई के रहने वाले थे एंड काफ़ी सीनियर चीफ इंजीनियर थे एंड दैट टाइम वॉज सेलिंग इन सीयरलैंड, तो उनके बारे में एक नहीं तीन चार वीडियोज़ बनने वाली। तो जब भी और मेरा क्योंकि जूनियर इंजीनियर में ज़्यादा काम सीखा नहीं था, फोर्थ इंजीनियर में पहुँचे, MEO क्लास फोर तो क्लियर कर लिया था, जूनियर इंजीनियर में जो काम सीखा था वो सेकंड साहब के साथ सीखा था, चंद्रपाल सिंह चाहड़ के साथ जिनके साथ मैंने वीडियो बनाया, तो मुझे प्यूरीफायर पे काम आता था, लेकिन फोर्थ ईयर संभालता था मैं पर जनरेटर में हमारे काम हमें आता ही था क्योंकि चार्ज साहब के साथ हमारे इतने अच्छे टर्म्स नहीं थे। तो जब जहाज पे पहुंचे, जहाज 20-22 साल पुराना था और बहुत बुरी कंडीशन में था और वहाँ पर जनरेटर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं आता है, जय माता दी। तो भाई चीफ इंजीनियर्स होते इतने सीनियर थे, आग बबूला होता था, तो उनका बात करने का तरीका भी ऐसा था कुछ, अरे साला भाई आगे आप समझ जाइए क्या बोला होगा, ये गलती कर दी तूने, अबे साला तेरा दिमाग रख भान, पूरी की पूरी ये गलती कर दी तूने, एंड ये रेगुलर रहता था। तो जब मैं पहुंचा मैंने ये बोला, उसके बाद उन्होंने अरे इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी एंड मेरी खतरनाक ड्यूटी लगाई गई, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ड्यूटी छोड़िए, उसके अलावा एक छोटी सी गलती होती थी तो वो मौका नहीं छोड़ते थे ऊपर से नीचे आने का, अरे जैसे किसी ने बता दिया कि चार साहब से गलती होगी, अरे चार साहब साला ये गलती कर दिया, मैं नीचे आ रहा अभी अपना छोड़ा वहाँ से 64 ईयर्स के कैसे तैसे करके सिर्फ मेरे को गाली देने के लिए वो नीचे आते थे, और फिर जो गाली देते थे ऐसी खतरनाक देते कि ऐसे करते करते एक बार तो बिल्कुल लाल हो गए, मुझे लगा अभी एक नीचे गिरे, तो बट सी गाइस इट वॉज अ वेरी वेरी टफ फेज। किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ कोई जूनियर इंजीनियर नहीं था जहाज पे, पता नहीं वरना मैं कैसे मैनेज करता। तो गालियाँ खाई हैं, गालियाँ भी कैसी, जब मैं सुबह 8 बजे, वो एक वॉच कीपिंग जहाज था, सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक मैं काम करता था वॉच कीपिंग, 12 बजे से चीफ इंजीनियर का वो था कि तुम्हें जाके सारे बंकर टैंक की साउंडिंग्स डेली लेनी है, तो 12 बजे से लेकर मुझे 12:35 हो जाते थे जिसके अंदर मैं बंकर टैंक की साउंडिंग्स लेके पूरा अपडेट करके चीफ इंजीनियर के कमरे में फिर मैं आता था। मेरे पास सिर्फ 25 मिनट होते थे खाना खाने के लिए और वो खाना खा के मैं सीधा नीचे 1 बजे पहुंचता था क्योंकि मुझे 1 से 5 बजे तक, 3 बजे तक नहीं, नॉर्मली एक वॉच कीपिंग जहाज पे फोर्थ ईयर 1 से 3 तक काम करता है, मैं 1 से लेकर 5 बजे तक मुझे काम करना होता था, और अगर मैं 1 बजने में 5 मिनट लेट आ जाऊंगा तो चीफ इंजीनियर का डेली 1 बजे फोन आता था, अरे चार साहब आया कि नहीं आया, सर अभी नहीं आया, नहीं आया, अरे मैं बोला था उसको आने के लिए 1 बजे अभी तक नहीं आया, कहाँ गया बा? तो वो मेरे से पहले पहुंचे होते, फिर जय माता दी हो जाती थी मेरी। और 1 से लेकर 5 बजे तक मैं काम करता था, 5 बजे मैं कमरे में जाता था, नहाता धोता था, उसके बाद मैं टीटी खेलने चला जाता था थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर जिम करता था मैं जाके, और उसके बाद फिर खाना खुना खा के थोड़ा सा रिलैक्स करके मैं 8 से लेकर रात को 12 बजे तक फिर मैं वॉच कीपिंग करता था। और यकीन मानिए वो जो वॉच कीपिंग वाला जहाज था वहाँ पर वॉच कीपिंग नहीं होती थी, हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, आज ये टूट गया, आज ये उड़ गया, उड़ गया, तो मैं 8 से 12, 1 से 5 और फिर 8 से 12 सिर्फ और सिर्फ रेगुलर हार्ड वर्क करता था, साथ में गालियाँ खाता था। सो ये मेरे पहले शिप का एक छोटा सा आपको वो बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ जैसे और भी कोई हैं, तो उन्हें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो भाई, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तुम भी पहुँच जाओगे, बट हिम्मत मत हारना। और आगे अगले वीडियो के अंदर मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे फिर वो गालियाँ इधर से निकाल देता था, बट मुझे अपने काम पर फोकस रहता था। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।